आज तो बड़ा ही मजा आने वाला है। हम सब यहाँ वियतनाम में दुनिया की सबसे बड़ी केव घूमने जाएंगे। ये केव क्या सचमुच में इतनी बड़ी है? हाँ डोडो, इस केव को अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया गया है। ये केव इतनी बड़ी है कि इस केव के अंदर अपना खुद का मौसम है। अयो, खुद का मौसम? यू मीन पर्सनल वेदर? यस टेम्पो अन्ना, इतना ही नहीं, इस केव के अंदर हिल्स, जंगल, बीच, लेक वगैरह सब कुछ है। कीको ने केव के बारे में जो बताया उसे वन वर्ड में कहते हैं करेक्ट। और कीको, क्या इस केव में एनिमल्स भी हैं? डोंट वरी, उस केव में एनिमल्स नहीं है। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। तूफान में तैरती नाव के नीचे दबी साइकिल को किनारे पे खड़े बुलडोजर ने फिर से दबा दिया। मतलब? सर पहली में पूछ रहे हैं कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि केव में कोई जानवर नहीं है? क्योंकि ये केव इन्होंने ही डिस्कवर की है, इसलिए इन्हें केव के चप्पे चप्पे के बारे में पता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवर्ड और मैं इस केव का मेंटेनेंस ऑफिसर हूँ। और ये हैं जेंगो, इन्होंने बहुत सारी केव डिस्कवर की है, ये केव भी उनमें से एक है, इसलिए हम इन्हें केव हंटर भी कहते हैं। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। हा हा हा, वैसे मैंने सुना है कि इस केव की मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारा पैसा दिया है। आपने बिल्कुल सही सुना है, वो पैसे मेरे अकाउंट में आ भी चुके हैं। अब उन पैसों से मैं इस केव को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन करूंगा कि देखना, दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आएंगे और हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। रुम्बन अल्लेर के, ये तो हिट है जी। चलो फिर देर किस बात की, केव का अंदर घूमने चलते जी। केव में हम ऐसे ही नहीं जा सकते, वहाँ जाने के लिए आपको एक केव गाइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये केव एक भूल भुलैया जैसी है। इसके अंदर कई रास्ते हैं, इसलिए आप सब लोग साथ में ही रहना, यहाँ वहाँ भटकना मत। डोंट वरी एडवर्ड अंकल, हम सब साथ ही रहेंगे। मगर वो गाइड अंकल है कहाँ? अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया वो। ये है डेविड, आप लोगों का टूरिस्ट गाइड। ये केव का मैप है, इसे ही फॉलो करते हुए अंदर जाना और वापस बाहर आना। अंदर जाकर बाहर ही आऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? ये भी रखो, केव के अंदर कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता, सिर्फ ये वॉकी टॉकी ही चलेगा। अगर किसी तरह की जरूरत हो तो तुम इस वॉकी टॉकी के जरिए सीधा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है और सिग्नल हाईवे के पास से आ रहे हैं, वहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। ठीक है कीको, ये लो, ये इस केव के मैप की दूसरी कॉपी है, तुम इसे फॉलो करते हुए बाद में अपने दोस्तों के पास पहुँच सकते हो। थैंक यू जेंगो अंकल, मैं ब्रिज की तरफ निकलता हूँ। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। R7 में सिग्नल उस डायरेक्शन से आ रहे हैं, उस तरफ चलो। ओके ब्रो, लेट्स गो। डेविड, अब ये सारे टूरिस्ट तुम्हारी जिम्मेदारी, इन सब का अच्छे से ख्याल रखना। डोंट वरी, इन सब का ऐसा ख्याल रखूंगा कि ये लोग मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो सब केव के अंदर।
अब समर होगा नॉट जस्ट कूल बट सुपर डुपर कूल रसना विद हनी बनी का फेवरेट कूलर रसना। सुपर स्पीडो, सिग्नल ब्रिज के नीचे से आ रहा है, चलो चल के देखते हैं। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 35। कीको, ये देखो बॉम। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 37। क्यों नहीं कीको, एक्टिविटी फॉर्मूला 37। फाइनली हम सब इस केव के एंट्री पॉइंट तक पहुंच ही गए। मेयर, ये क्या कर रहे हैं आप? अब जब पहुंच ही गए हैं तो इस झरने में नहा लेता हूँ, बहुत पसीना आ गया है। मेयर अभी नहीं पहुंचे हैं, हमें अब भी इस झरने के पीछे जाना है, वही है इस केव का एंट्री पॉइंट। मगर इस झरने के पीछे जाएंगे कैसे? मुंह बंद करो और मेरे पीछे पीछे आओ, रास्ता दिख जाएगा। मुझे तो बहुत जोर की प्यास लग गई, कोई पानी पिला दो। पानी चाहिए? रुक जाओ, मैं अभी आया। ये डेविड होते ना बुरा नहीं जी, जितने सोचता। ये लो पानी, अब जी भर के पियो, नहाओ या डूब जाओ। मैं चला। अयो, ये डेविड तो हम लोग को पसंद है जी। डेविड बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा है जी, बहुत बुरा। अयो, ऐसा तो हम सब लोग कुछ देर में डूब जाएगा जी, चलो भागते इधर से। लेकिन भागेंगे कैसे, हम लोग तो यहाँ फंस चुके हैं। मम्मी, अब हम लोगों को कौन बचाएगा? हम लोगों को जो बचाएंगे उन्हें फोर वर्ड्स में कहते हैं, कीको एंड सुपर स्पीडो। थैंक यू किको और सुपर स्पीडो, आज तुम लोगों ने हमारे सिटी के लोगों की बहुत मदद की है। R7 की डेंजर लाइट फिर से ब्लिंक कर रही है और सिग्नल केव के डायरेक्शन से आ रहे हैं। हेलो एडवर्ड, मैं डेविड बोल रहा हूँ, कब मैं कहूँगा पर तुम ज्यादा में समझना। केव में गए टूरिस्ट अब मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो जो पैसे तुम्हें गवर्नमेंट ने केव की मेंटेनेंस के लिए दिए हैं वो तुम मेरे हवाले कर दो। हेलो डेविड, ये तुम क्या बोल रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो, अब ध्यान से सुनो, मुझे वो पैसे 2 घंटों के अंदर चाहिए। अगर 2 घंटों के अंदर वो पैसे नहीं मिले तो याद रहे कि टूरिस्ट इस समय केव की जिस जगह पर हैं वहाँ पानी भर रहा है, और 2 घंटे के बाद वहाँ इतना पानी भर जाएगा कि सब के सब डूब जाएंगे। अब तुम सोच लो कि तुम्हें वो पैसे डुबाने हैं या फिर टूरिस्ट को। हेलो डेविड ने हमें धोखा दे दिया,
अब अगर मैंने पैसे दे दिए तो फिर केव की मेंटेनेंस होगी कैसे? और जो नहीं दिए तो टूरिस्ट को खतरा होगा। डोंट वरी एडवर्ड अंकल, मेरे और सुपर स्पीडो के रहते किसी पे खतरा नहीं आ सकता। हम 2 घंटे पूरे होने से पहले ही इन सभी लोगों को सही सलामत उस केव से बाहर निकाल के ले आएंगे। राइट सुपर स्पीडो? राइट ब्रो, बिकॉज वी फाइट फॉर राइट। जांगो अंकल ने जो केव का मैप मुझे दिया था उसे मैं स्कैन करके R7 में डाल देता हूँ, फिर हम उसे फॉलो करते हुए केव के अंदर चले जाएंगे। मैप कॉपी हो गया है सुपर स्पीडो, लेट्स गो। हेलो बॉस, मैंने सभी को आपकी बताई हुई जगह पर कैच करके पैसे मांग लिए हैं, अब आगे क्या करना है? मुझे यकीन है कि कोर सुपर स्पीडो उन टूरिस्ट को बचाने के लिए जरूर आएंगे, इसीलिए मैंने बाकी आदमियों को उनके पीछे लगा दिया है। तुम वहीं गार्ड्स के साथ खड़े रहो और निगरानी करो, तब तक मैं उनसे निपटता हूँ। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दिख तो नहीं रहा, मगर ध्यान से सुनो सुपर स्पीडो, तुम्हें कुछ सुनाई देगा। कमाल है, ना बात ना की, सिर्फ फायरिंग कर रहे रिपीट। निकलो सुपर स्पीडो। को पाटा, अब तो फंस गए, आगे गोलियों का कुआं तो पीछे लंबी चौड़ी खाई। कुछ सोचो किको मेरे भाई। गुफा का है अनोखा मैप, जो आए वो हो जाए ट्रैप। जांगो अंकल, आप यानी टूरिस्ट की किडनैपिंग के पीछे आपका हाथ है? सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पैर, आंख, दिमाग सब है। जांगो, तुम जो कर रहे हो वो बहुत रॉन्ग है। तुम प्लीज इन सभी टूरिस्ट को छोड़ के राइट काम करो। किको, मैं पैसे कमाने के लिए रॉन्ग से भी ज्यादा रॉन्ग काम कर सकता हूँ। गुफा का है अनोखा मैप, जो आए वो हो जाए ट्रैप। सुपर स्पीडो, जल्दी फॉर्मूला नंबर 53। होन डालो इन्हें। किको, मेरी हालत इतनी खराब है कि जो मैं जमीन से टकराया तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिक्र मत करो सुपर स्पीडो, मेरे पास एक प्लान है। चलो, इन दोनों का तो हो गया खेल खत्म, अब केव मेंटेनेंस के पैसों को मैं करूंगा हजम। हेलो डेविड, मैंने किको और सुपर स्पीडो को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है, अब मैं अपने अड्डे पे जा रहा हूँ। तुम एडवर्ड को कॉल करके उसे पैसे जल्द से जल्द भेजने के लिए कहो। यस बॉस, ओवर एंड आउट। मुझे इसी मैप को फॉलो करते हुए वापस एंट्रेंस पे पहुंच के राइट रास्ते की तरफ जाना होगा। सारे टूरिस्ट वहीं गए होंगे। मैं यहाँ से राइट टर्न लेता हूँ। हाँ?
तीन रास्तों में मुझे कौन से रास्ते को चुनना चाहिए? डेविड ने जिस जगह पर सभी टूरिस्ट को कैद कर रखा है वहां तो फ्लडिंग हो रही है। शायद ये पानी उसी फ्लडिंग से आ रहा होगा। पकड़ो उसे। Hands up. डेविड, प्लीज बताओ सभी टूरिस्ट कहाँ हैं? प्लीज किको, मुझे मत मारो, बताता हूँ। लगता है अब सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 27 लगा के उस रॉक को तोड़ दो। अब बताओ जैंगो कहाँ है? सुपर स्पीडो, तुम अंदर जाके लोगों को बचाओ, तब तक मैं जैंगो को ढूंढता हूँ। डायलॉग बाद में मारना जी, पहला हम लोग को बचाओ। ओह यस, रुको, कीको से पूछता हूँ। सुपर स्पीडो, सबको वहां से बचा के निकालने के लिए अब एक ही फॉर्मूला बचा है, लगाओ फॉर्मूला नंबर 211। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 211। चलो सब लोग वन बाय वन इस पिक्चर की केव के बाहर निकल जाते हैं। अनोखा मैप,
जो आए वो हो जाए ट्रैप। अब कहां भागोगे किको? अब होगा तुम्हारा खेल खत्म जब टकराएगा तुमसे मेरा बम। गुफा का है अनोखा मैप, जो आए वो हो जाए ट्रैप। थैंक यू सुपर स्पीडो। एनी टाइम पार्टनर। जंगो तो इस तरह पूरी गुफा को तहस नहस कर देगा। गुफा में घुसती हवा ने उड़ती तितली के पंख पे बैठती मक्खी को गुदगुदी कर दी। मतलब सर पहली में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक यू किको और सुपर स्पीडो, आज तुम दोनों ने दुनिया की सबसे बड़ी केव को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया।